एक माता मेरे पास आती है, कहती है कि मेरा बच्चा जो है वो दारू पीता है, आप दारू छुड़ा दीजिए। मैंने कहा सिखाई आपने, छुड़ा मैं कैसे दूं? एकदम से जोर से अवाक से होके कहती है मैं कैसे सिखा सकती हूँ, मैं तो 16 साल से रामायण का पाठ करती हूँ। मैंने कहा आप करते हो, आपने किस दिन कहा बच्चे को कि मैं तो रामायण तेरे मुंह से सुनूंगी? सुना? बोली ये तो नहीं कहा। तो मैंने कहा उसमें रामायण के लक्षण आएंगे कहाँ से, गुण कहाँ से आएंगे राम वाले? आप अपने बच्चे में राम लक्ष्मण वाले गुण देखना चाहते हो, आपने शिक्षा ऐसी दी नहीं, आएंगे कहाँ से? सरकार का क्या कंट्रोल है? सरकार ने जितने भी सिस्टम लागू किए हैं, पाठ्यक्रम लागू किए हैं, वो विदेशी तर्जों पर किए हुए हैं। किस तर्जों पर किए हुए हैं? विदेशी तर्जों पर किए हुए हैं। जो सरकार आती है वो अपने हिसाब से पाठ्यक्रम लागू कर देती है। किसी को बाबर अच्छा लगता है, किसी को बाबर अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। कोई भारत के बड़े बड़े देशभक्तों का भी नाम नहीं लेती है, ठीक है। और जो भारत के लिए जिन्होंने हानि हानि की है, कोई उन दुष्कर चरित्रों को भी हमारे पाठ्यक्रम में लागू कर दिया गया अच्छा अच्छा बना के, ऐसे ना? इससे क्या हुआ? इससे विकृति आई है हमारे अंदर, लाभ तो हुआ नहीं। वासना शहनी होती, काम वासना प्रबलता से बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि साहित्य ऐसा परोसा जा रहा है। क्या परोसा जा रहा है? उस लालसा से हुआ क्या है कि हमारे बच्चों में विकृति आ गई। हम चाहते हैं हमारे बच्चों में गुण आए, आ रहा है उसमें वापिस विकृतियां। उन विकृतियों से क्या हो रहा है कि जब हम मर रहे हैं वो विकृतियां लेके, जैसे वासना, क्रोध बढ़ गया, अहंकार बढ़ गया, गुस्सा बढ़ गया, अपने चरित्र पे काबू नहीं रहा, ठीक है ना? तो उससे क्या हुआ, उससे हम जब मर रहे हैं तो हमारा अग्नि तत्व प्रबल हो रहा है, जो हमारी आत्मा का दहन कर रहा है, जो हमारी आत्मा को उग्रता से जला रहा है, जो हमारे मन में जो मलिनता है वो आत्मा पर गिलाफ बना के चढ़ा रही है। तो जो तेज है उस तेज को ढक लिया गया है, किससे? वासना से, क्रोध से, काम से, लोभ से। और केवल आदमी जैसे पैसा कमाने के लिए ही जी रहा हो, उसके लिए बड़े बड़े अपराध भी उसको मंजूर है, किसी घोटाले में शामिल भी हो जाना चाहता है, कोई बड़ा गलत कार्य भी कर देना चाहता है, मतलब फिर उसको ये नहीं है कि इस काम से देश की क्षति होगी या किसी और चीज की क्षति होगी या मानव की हानि होगी, वो इन सब चीजों को नहीं देख रहा है। तो अब जो लोग विकास के रास्ते पर चलना चाहते हैं वो तो अध्यात्म को अच्छे से जिएंगे। हमने अगर अपने अंदर अभी से अध्यात्म ग्रहण कर लिया तो हमारी संतानों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, जैसे पहले प्रभाव पड़ता था अब भी प्रभाव पड़ेगा, लेकिन हम जीते कहीं और है। इसी वजह से आज बड़े से बड़े अधिकारी, बड़े से बड़े, संसार में कोई ऐसा समूह नहीं है, मान लिया आप राष्ट्रपति कहो तो कहीं ना कहीं के राष्ट्रपति के अंदर प्रेत निकल जाएगा, आप प्रधानमंत्री कहो तो किसी ना किसी देश के प्रधानमंत्री के अंदर प्रेत निकल जाएगा। यह जरूरी नहीं है उसका सर घूमे, ये जरूरी है कि उसको दर्द रहते हो और वो दर्द प्रेत के कारण, निगेटिविटी के कारण हो जाते हैं। ऐसी बहुत सारे लोग हैं जो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन है और वो काम प्रेत के वशीभूत होकर करते हैं। तो बहुत सारे एरियों में तो सरकार, एमएलए मान लिया, किसी एमएलए को प्रेत बाधा है और उस एमएलए को बार बार क्रोध आता है और वो उसके मन पे चढ़ के बोलता है तो वो प्रेत राज भी कर रहा है अभी भी। तो इसी तरह से हमारे ऊपर हमारा कोई भी वर्चस्व नहीं रहा है। सबसे पहले तो इस शरीर को जाने, इस शरीर की महत्ता को जाने। ये शरीर हमें लोक कल्याण के लिए दिया है, ये अच्छा कर्म सुकर्म करने के लिए भगवान ने दिया है, ये शरीर की महत्ता है ना? थोड़ा बहुत घूम भी ले भाई। तुम तो टाइम मशीन हो दोनों। तो ये शरीर की क्या है? महत्ता है। हमें सुकर्म ही करना है। क्या करना है? सुकर्म करना है। और दूसरा क्या करना है? प्रेम करना है। क्या करना है? प्रेम करना। प्रेम करना। अरे कम से कम मानव जाति से तो प्रेम कर लो। भगवान ने एक शरीर बनाया है, 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। आप मर के प्रेत बने, अपने बच्चों में लिपट गए या पड़ोसी के बच्चों को लिपट गए, फायदा क्या हुआ? कोई फायदा हुआ? हमें पितृ पूजने की आवश्यकता ही नहीं है। पितृ पूजने की आवश्यकता क्यों नहीं है ये भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैंने दीप दान की प्रक्रिया बताई है, आप वो दीप दान कीजिए, यानी कि आप किसी भी देवता को एक दीप दान रोज करें, नियत एक देवता का नाम लेकर, आप देखेंगे आपके घर की पितृ समस्या हल हो रही है अपने आप। आपके घर में उसकी ऊर्जा, उसकी ऊष्मा, उसकी तरंगे, इसलिए घरों में रोजाना पूजा का विधान था, लेकिन उसको मिटा दिया गया और तरीका बदल दिया गया। बाद में लोग उससे उकताने लगे और उनको एक शॉर्टकट तरीका चाहिए,
ठीक है, इस मशीनरी युग में उनको तरीका ये चाहिए, आप मोमबत्ती जलाओ हफ्ते के हफ्ते में एक दिन जो है ना 4 घंटे की ऐश मारो और ये कहो हम तेरे हैं तू हमारा है, हम तेरे तू हमारा तो ठीक है, लेकिन आप पूजा नहीं करना चाहते। पूजा नहीं करने का भी विधान मैंने बता दिया, आप दीपक जलाएं, दीपक जला के कम से कम रोजाना एक दीप दान करेंगे, उससे आपके घर में स्वच्छ तरंगे भरी रहेंगी, आपकी निगेटिविटी दूर होगी। दूसरी बात, आपके जो घर के परिवार के मरे हुए हैं अगर वो किसी और के शरीर में भी बांध दिए गए हैं तो उनका भी उत्तमता से कल्याण हो जाएगा। हमें चाहिए क्या, अच्छा सत्संग अच्छा साहित्य पढ़ना चाहिए जिससे हमारे बच्चों में अध्यात्म फूले फले। हमें अच्छी सभ्यता सिखानी चाहिए, सीखनी चाहिए, सारी महिलाओं को भी ये बात सीखनी चाहिए। सबसे पहले महिलाओं को ये बात सीखनी चाहिए कि सीता माता और उनकी तीनों बहनें एक बार शादी होने के बाद कभी वापिस कहाँ नहीं जाती है, मिथिला, मिथिला की थी ना, हाँ तो वहाँ नहीं जाती हैं, अपने पिता के घर वापिस नहीं जाती है, कहाँ नहीं जाती है, पिता के घर, पिता के घर वापिस नहीं जाती है। तो इसलिए जब हमारा कुल गोत्र बदल गया, हमारा सब कुछ बदल गया, तो हमें चाहिए कि हम एक ही घर से संबंध रखें, दूसरे घर से संबंध ना रखें, और रखें भी तो दूर का और प्यार का संबंध रखें, व्यवहार का संबंध कभी भी ना रखें। आज के टाइम में व्यवहार का संबंध सबने रख लिया, उससे रोजाना लड़ाई झगड़े और घर में क्लेश बढ़ते जा रहे हैं। भाई आप लोग तो शोर बहुत करते हैं, करने के लिए घर के कलेश को कम करने के लिए हमें सेवा जरूरी है। हम जब दूसरे की एक दूसरे की सेवा करेंगे, पति पत्नी की, पत्नी पति की सेवा करेगा और सेवा का ही कार्य लेगा, तो हमारा कभी भी आपस में लड़ाई